नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लंदन में 27 मंजिली इमारत में भीषण आग, कई लोगों की मौत, 50 से ज्यादा झुलसी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति पद के लिए सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार। केंद्र सरकार का अहम फैसला, कृषि ऋण समय पर चुकाने वालों को मिलेगी ब्याज में 5% की छूट। रिजर्व बैंक ने बनाई 12 बड़े बकायेदारों की सूची, कुल फंसे कर्ज की 1/4 राशि उलझी है इनके पास। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार की घोषणा, 23 जून को आम सहमति से चुनाव चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मरे किसानों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बैंक और बीमा कंपनियों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक 2017 को मंजूरी। आप में घमासान जारी, दिलीप पांडे का राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास पर निशाना। बांग्लादेश में भूस्खलन, मरने वालों की संख्या 140 से ज्यादा हुई। सीरिया की सेना पश्चिमी रक्का तक आगे बढ़ी, इस्लामिक स्टेट के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को $500 मिलियन का पैकेज दिया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।